बैरल नट है ना, इस तरह से गांठ बांध दिए। अब बांधने वाले के बाद इसको हमको इसी को ढीला करना है। देखिए ढीला वाला पार्ट आ गया बीच में। नीचे नीचे। अब यही जो है इसको फिर से हम इस पे गांठ मार देना है हिच, और हिच को मारने के बाद एक और हिच मार देगा तो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इसी तरह से एक ऊपर, यस ये अपना आराम से टंगा के ऊपर चला जाए। एक ही हाथ से, एक ही वाला से, एक ऊपर एक नीचे रहता है, एक और नीचे रहेगा वही काम, लड़ेगा नहीं, उजी से टकराए नहीं, ऊपर ले जाने में परेशानी ना हो, अटके नहीं कहीं, इसलिए एक बार थोड़ा सा ऐसे लाल में बोल दे, आओ सामने से, आओ आराम से सरोज वीडियो कॉल पे दिखाओ तो वीडियो बना दे। मेन यही है, ले ले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बन है। ये खाली पहले ऐसे ही बनी है, हाफ इज द दो मारा ऊपर ढक ढक एक और कभी ड्राम ले कैसे बताया गया है, हम लोग इस पे बांधते थे ना, टांगला हो गया ये वो छोड़ के बैरल नट ताली मार दो। अभी अतिरिक्त के रूप में रखा गया है, पहले ये नोट्स भी काम करता था, क्योंकि अब जो है आपके गाड़ी में ही फोम डाल दिया जाता है। यस, आप डायरेक्ट छिड़काव करते हैं पानी का, जैसे पानी मारते हैं किसी भी बिल्डिंग में वो क्या है जुगाड़ सिस्टम है, यानी वो नियमता अगर आपको बोला जाए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी तेल संबंधी दांत को बुझाने के लिए हम लोग को फोम मेकिंग ब्रांच यूज करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं टंकी में डाल दिए फोम, और जो इंस्टेंटेनियस ब्रांच है उसी से कहीं पे टकरा के फोम को बनाते हैं, लेकिन उतना मात्रा में वो फोम नहीं बनता है, छोटा मोटा आग है तो बुझ जाएगा, लेकिन अगर कोई तेल का भयंकर आग है तो बिना फोकिंग ये जो आपका फोम मेकिंग ब्रांच के नहीं वो झाग नहीं बनेगा, तो वहाँ पर आपको यूज करने के लिए मान लीजिए जैसे कहीं ऊपर में जनरेटर उनरेटर लगा रहता है, बहुत सारा देखते ना बिल्डिंग में बड़ा बड़ा जनरेटर ऊपर शिफ्टिंग कर देता है, उसमें आग पकड़ा हुआ है, और आप वहाँ पर गए हो, आप मान लीजिए नीचे से आपको ले जाना है, उस कंडीशन में आपको यही बैरल नोट ले जाकर ऊपर ले जाएंगे, और उसमें क्या होता है जहाँ भी आपका फोम मेकिंग ब्रांच है वहाँ पर आपका डिब्बा रखना पड़ेगा, वहाँ पर ये डिब्बा रहेगा और हम लोग क्या करेंगे उसका पिकअप ट्यूब जो है इसमें छेद करके डाल देते हैं, और वहाँ पे आपको फिर फोम मेकिंग ब्रांच को पकड़े रहना है, अगर फिर मान लीजिए थोड़ा बड़ा फोम कम बना रहा है तो उसको क्या करना है पिकअप ट्यूब को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके हम लोग करते हैं, ध्यान दो इधर तो अभी तक हम लोग पांच थिंग था, चार कंपलसरी हम लोग को जानना है, सबसे पहला था थंब नोट या ओवरहेड नोट, इसके बारे में हम लोग जान गए, दूसरा क्या था हम लोग का फिगर ऑफ एट नॉट, फिगर ऑफ एट नॉट, एट नॉट ठीक है, फिगर ऑफ एट नॉट का पहला काम क्या था, दूसरा मोटा रस्सी के छोटा नहीं बनाएगा, वहां पर फिर कोई और एक गांठ बनाता है, कौन बताएगा दो दो मोड़ के हाथ में लेंगे, बोलिए क्या होता है आपका जो बीच का रस्सी होता है उसमें से सारा लोड खत्म हो जाता है, मोड़ मोड़ के बांध जो मान लीजिए इस तरह से दो बार मोड़ बताएंगे आगे, जैसे तीन बार मोड़ हां बता देंगे, जैसे मान लीजिए तीन लड़ी है ना, टाइम के दौरान होता है लोड किस पे रहेगा किनारे किनारे वाला दोनों पे, तो वहां पर आपका ये रस्सी को हो गया, हम लोग बीच में चलेंगे जो 10 इंच है उस 10 इंच को बताया जाए।